डर इस्माइल खान में उम्मीदवार सरदार इकराम खान गंडापुर की गाड़ी के करीब धमाका हो गया है, जिसमें अकरामुल्ला गंडापुर समेत तीन अफराद जख्मी हो गए। सरदार इकराम खान बीके 99 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, अजमत अली शाह से जानते हैं। अजमत अली शाह, धमाके की नौयत क्या रही और ये भी बताएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पी के 99 के जो उम्मीदवार हैं सरदार इकराम खान गंडापुर, जो कि वापस आ रहे थे किसी काम से अपने पार्टी की मीटिंग और इसमें मशगूल थे और वापस आ रहे थे, तो वहां पर एक पुलिस के जराये के मुताबिक जो है तो डिवाइस जो बम कंट्रोल था बम का वो गाड़ी है उसका निशाना बन गया, जिसमें अब तक तीन अफराद जो है वो जख्मी होने की तहरीन से पुलिस एहलकार एक जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो खुद और उनके ड्राइवर जो है वो जख्मी होने की इतला है। जख्मी को जो है वो तिबी अमदाद देने के लिए डेर इस्माइल खान के जो अस्पताल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ में अगर ये बात कर रहे तो ये तकरीबन अब तक खबर पख्तूनख्वा में जो कि इससे पहले अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन पर जो है वो धमाका हुआ शहीद हुए, इसके बाद इकराम खान दुरानी पर जो जो कि सबक इंडिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उस पर इस तरह का जो है धमाके की इतला है वो हाजिर हुई है। तो अब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेएमएम के थे और अवामी नेशनल पार्टी और तकरीबन खबर पख्तूनख्वा में इस तरह के मुताबिक वाक़ जो है वो नजदीक ही दिनों में जो कि जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो अब तक जो कि सूरत हाल है वो कोई जख्मी जो है वो सूचना हालत में नहीं है। वो अब तक जो कि डी खान के जो अस्पताल जराए हैं उनके है अब तक जख्मी हम कुछ 20 लाख की जा रही है। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया अजमत अली शाह।